नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इन्वेस्टर में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष ओसमा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी के ऊपर। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर, ये अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी शेयर क्यों, मतलब ये एक डाउनसाइड देखने को मिला है इस शेयर में, क्यों? तो मैं आपको बता दूं, देखिए बेसिकली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मैं आपको बता दूं, ये डाउनसाइड इसलिए देखने को मिला है क्योंकि निफ्टी वीक है। अब ये मत बोलिए कि आप निफ्टी या वीक नहीं है, निफ्टी वीक है। निफ्टी मतलब पिछले 4 से 5 दिनों में 600 पॉइंट के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है। आपको क्या लगता है, जब निफ्टी गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो कैसे ग्रीन होगा? मुझे बताइए, आपने अगर 3 या 4 दिन पहले अगर कोई शेयर खरीदे होंगे, आप मुझे बताइए क्या वो प्रॉफिट में है क्या शेयर? चांस ही नहीं है कि वो प्रॉफिट में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब निफ्टी गिरेगा तो सारे, निफ्टी क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स कैसे गिरता है? जब शेयर गिरते हैं तो निफ्टी का इंडेक्स गिरता है। तो यही एक वजह है कि शेयर भी नीचे गिरा है। आपको लगेगा कि रिजल्ट अच्छा रिजल्ट नहीं है। फिर आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले टाटा स्टील का रिजल्ट आया था, फिर IGL का रिजल्ट आया था, फिर सेल का रिजल्ट आया था। ये सभी दमदार रिजल्ट, मतलब मार्केट को जितना उम्मीद था उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट आया था इन तीनों का। लेकिन इन तीनों का शेयर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट बुकिंग आई थी क्या? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद ही नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, इसलिए शेयर में मूवमेंट हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है कि तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारे शेयर में एक ही चीज़ गिरने का कारण रहा है, वो रहा है मार्केट निफ्टी। क्योंकि निफ्टी वीक रहा है तो ऑब्वियसली निफ्टी वीक रहेगा तो हम आप बाय नहीं करते हैं शेयर को। हमें डर लगता है कि और गिरेगा और गिरेगा, इसलिए हम बाय नहीं करते हैं और सस्ता शेयर निकल जाता है हमारे हाथों से। तो आपको लगेगा कि आप क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पास अगर शेयर है 3 से 4% लॉस तो ये आम बात है, क्योंकि मार्केट गिरा है तो लॉस है तो आम बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि, मतलब मुझे जहाँ तक पता है, देखिए ऑब्वियसली मैं आपको एक गाइड करूँगा कि शेयर बहुत ही अच्छी रेंज पे अभी भी है, कल भी था अभी भी है, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो उस समय भी 46 के आसपास चल रहा था, अभी 44 पे चल रहा है। मतलब यहाँ से आपको 4% का डेंट दिखा होगा अगर आपने रिजल्ट के बाद अगर शेयर खरीदा है तो आपको क्या लगता है, मतलब 4% का डेंट के बाद क्या शेयर, मतलब यहाँ से जंप नहीं मारेगा क्या? आप देखिए, आप इसका चार्ट देखिए, वन डे का चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जब जब शेयर इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया, यहाँ से एक जंप आया ही है, 50 का जंप आया ही है, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं। मतलब यहाँ से 10% का अपसेट तो है ही है, लेकिन बस आपको बस रिलैक्स होने की जरूरत है इस मार्केट में। क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो सबसे मेन जरूरी जो चीज़ होता है मार्केट में वो है आपका पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखिएगा तो आपको रिवार्ड मिलेगा। अगर आप पैनिक होइएगा, आप इस लेवल पे एग्जिट कीजिएगा। आप बताइए मुझे, ये किस टाइप का लेवल, अगर कोई इस लेवल पे एग्जिट कर रहा है, क्या करने का एग्जिट का लेवल है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि यहाँ से शेयर हमेशा उठा है। तो आप क्यों यहाँ पे एग्जिट कीजिएगा, होल्ड कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये तो गारंटी है। तो बस पैनिक मत होइए, मार्केट गिरे हुए मार्केट में पैनिक मत होइए, होल्ड कीजिए, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं इस सिचुएशन में, लेकिन मैं उनको बताऊंगा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट गिरने की वजह से शेयर गिर रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मार्केट फिर से अपने रेंज पर आएगा, फिर से ये शेयर ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। तो मेरी बस यही एडवाइस रहेगी कि बस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचे।